जितने भी ब्लॉगर हैं ना, सब जो है वो मोस्टली अमीर हैं और सपोर्ट है घर से उनको। सानू कोई सपोर्ट नहीं है, सानू बहन लगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं मिलती थी। चलो रोटी खाने। अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज कितना रोज़ा है? 18वां। आज 18वां रोज़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आपके पास 19वें रोज़े को मेरा ब्लॉग आएगा। तो रोज़े जो हैं वो धड़ाधड़ गुजरते जा रहे हैं और मौसम जो है वो भी आज हवा तो चल रही है, लेकिन इस पूरे रमज़ान में मेरे ख्याल अभी तक बारिश नहीं हुई। हुई है? नहीं हुई है। बड़ी बड़ी साइड मैं फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ, अलीगढ़ में मरी वाली साइड पे हुई है। हम कौन सा मरी रहते हैं, हम तो रहते हैं फैसलाबाद में। तो हम आज जो है वो मैंने शरीक कर लिया, अली और मिठू कर रहे हैं बैठ के। ये मिठू और अली करने लगे हुए हैं भाई। ये सुबह सुबह जो होता है हमारा यूनिफॉर्म होता है, इस चीज़ को आप लोगों ने इग्नोर किया करना है, किसने पहना क्या हुआ या नहीं पहना हुआ। ऐसी वीडियो में आ गए तो शहरी जो होती है ना वो हम आँखें आधी आधी बंद होती हैं और आधी आधी खुली होती हैं, जिससे के साथ हम शहरी करते हैं। तो अभी थोड़ी देर में अजान होने वाली है, अजान होने के बाद फिर हम नमाज अदा करेंगे और फिर सीधा आपको कहाँ मिलेंगे, दफ्तर ये जाते हुए जहाँ पर भी टाइम लगा। इस टाइम जो है वो मैं ऑफिस में अपने बैठा हूँ, हम लोगों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। बिजली ने जो है ना वो बहुत तंग किया हुआ है, डेली 2 घंटे जा रही है। तो हमारा भी आज बाबा ऑफ है, UPS चल रहा है, हम लोग भी बैठे अपना काम मुकम्मल करके। बस थोड़ा ना गर्मी की जो है ना वो शिद्दत कम हो जाए, फिर निकलेंगे दूसरे ऑफिस के लिए और फिर वहाँ पर अपना काम मुकम्मल करके फिर डायरेक्ट आपको अफ्तारी में मिलेंगे या अफ्तारी से पहले आपको मिलते हैं घर जाते हुए। तो ऐसे मैं घर पर पहुँच चुका हूँ, अभी अफ्तारी का टाइम हो चुका है। थोड़ी देर आया था मैं, पहले लेटा रहा, लेट के थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद फिर मैंने कुरान शरीफ पढ़ा है। अभी जो है वो अफ्तारी में 2 से 3 मिनट बाकी हैं, दस्तरखान लगा हुआ है। देखिए अली बैठा हुआ है दस्तरखान पे और मैं जो है वो इस चार पे बैठा हुआ, उठने लगा था, उठ के धोते हैं हाथ, धो के जाके दस्तरखान पे बैठते हैं और अफ्तारी का इंतज़ार करते हैं। रोज़ा अफ्तार कर लिया, आज नमकीन चीज़ कुछ भी नहीं थी खाने में। तो आपको तो पता अफ्तारी करके उसके बाद नमकीन कुछ खाने को दिल करता है, तो मैं जाकर ना चुपके से समोसा खा के आया हूँ, क्योंकि फिर छेड़ निकल जानी थी, साहब को खिलाने पड़ने थे। तो मैं चुप करके खुद खा के आया हूँ, चलते हैं नमाज अदा करने, नमाज अदा करके आते हैं। तो भाई जान मैं नमाज अदा करके आके घर में लेट गया था, सो गया। आज पता नहीं क्यों जिसमें थका थका सा लग रहा है यार, एडिटिंग करने को भी दिल नहीं कर रहा है। देखा मेरे कैसे हालत हुई है, मैं लेटा हुआ हूँ सकत का मोबाइल पकड़ा हुआ और ऐसे ऐसे वीडियो देख रहा हूँ। अभी अचानक से टाइम देखा मैंने तो 8 बजने लगे, तो मैंने कहा यार पहले तो 8 बजे तक मैं जो है वो एडिटिंग भी कर लेता हूँ, आज अभी तक जो है वो मैंने एडिटिंग नहीं की। भूख लग रही थी, खाना आ गया। ये देखें भिंडी साथ रोटी पानी। भिंडी जो है ना वो बहुत मज़े की होती है, मेरे मुंह में छाले निकले हुए हैं, पता नहीं अभी उसके लिए ठीक है या नहीं। लेकिन ये है कि मैं दबा के जो है वो शिकंजबीन पी रहा हूँ, वो मैदे के लिए बहुत बेस्ट होती है। तो रोटी खाते हैं, रोटी खाने के बाद जो है वो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। जितनी सी भी वीडियो बनी है अभी तो सिर्फ 2.5 मिनट की वीडियो बनी है सुबह से। भाई आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, अभी नहीं वीडियो बनती तब भी उठाओ मोबाइल को कैमरे को ऐसे बनाओ वीडियो, मैं भी देखता हूँ कैसे बनती है। देने में वीडियो कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है, साथ काम करना हो, बीवी बच्चों को संभालना हो, घर को संभालना हो और ड्यूटी करनी हो। आए हाय हाय, जितने भी ब्लॉगर हैं ना सब जो है वो मोस्टली अमीर हैं और सपोर्ट है घर से उनको, सानू कोई सपोर्ट नहीं है। सानू बहन लगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं मिलती थी। चलो रोटी खाने। अभी जो है वो टाइम हो चुका है इशा की नमाज का। ओ यार सुस्ती नहीं, बड़ा काम बुरा किया, मैं रोटी वोटी खा के फिर वहीं पे बैठा हूँ लेटा हूँ। कुछ भी जो है ना वो कॉन्टेंट मिल नहीं रहा बनाने के लिए मुझे। गिनती की 3-4 मिनट की जो है वो वीडियो टोटली बनी है। तो मैं भी डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर को मैंने पूछा कोई परहेज़ वरहेज़ बताओ, वो मुझे ना ऊपर से ले के नीचे तक देख के कहता परहेज़ नहीं तू खा। तू खाया कर, तूने क्या करना है परहेज़, परहेज़ करेगा और सुखता हो जाएगा। ये तो था एक जोक, वैसे आप लोगों को हंसाने के लिए बनाया। यार आप लोगों का बहुत 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 मेहरबानी है यार, आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हो जो है ना, वो बहुत कम हो गए हैं कमेंट वगैरह लाइक वगैरह। अगर वीडियो ओपन कर लिया तो एक लाइक कमेंट कर दिया करो यार, कुछ भी नहीं होने लगा, कुछ नहीं होने लगा। मैं रोज़ाना कहता हूँ यार लाइक कमेंट कर दिया करो। तो आज के व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं,
उम्मीद करता हूँ कि आज के व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।